राष्ट्र उपाध्यक्ष एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हेमंत सरकार के खिलाफ जनता में काफी आक्रोश है। श्री दास ने कहा कि यदि बीजेपी दोनों विधानसभा सीट यानी बेरमो और दुमका से जीतती है तो वो हेमंत सोरेन की सरकार की खटिया खड़ी कर देंगे। झारखंड को बीजेपी किसी सूरत में लूटने नहीं देगी, क्योंकि इस राज्य का जन्मदाता होने के कारण उसे दर्द का एहसास है। बीजेपी उपाध्यक्ष ने कहा कि ट्विटर पर चल रही ये सरकार सरकार नहीं बल्कि सरकार के नाम पे एक मजाक है। 9 महीनों में ही हेमंत सरकार के कुशासन और भ्रष्टाचार की वजह से विकास पर बुरा असर पड़ा है। JMM और उनके सहयोगियों ने बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार किया, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। JMM ने विपक्ष में रहते हुए भी जनता को गुमराह किया था और अब सत्ता में आने के बाद भी वो जनता को गुमराह कर रही है। इस सरकार का खटिया खड़ा करके रहेंगे। झारखंड सरदार अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी ने बनाया, जो जन्मदाता होता उसी को दर्द होता है। इस 9 महीने की सरकार से जो निकला क्या, कुशासन भ्रष्टाचार, जिसके कारण विकास वंचित। श्री दास ने कहा कि जब 2014 में मैं CM बना था तब भी राज्य का खजाना खाली था, लेकिन मैंने अवसर तलाशे कि कैसे राज्य की अर्थव्यवस्था को ठीक किया जाए। लेकिन हेमंत सरकार को राज्य की राजस्व और अर्थव्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, बल्कि मतलब है कि सोरेन परिवार का खजाना कैसे भरे। सत्ताधारी दल और निजी साठगांठ की वजह से राज्य की व्यवस्था ठप हो गई है। कल्याणकारी योजनाएं बंद है, ट्रेजरी ठप है, विकास के सारे कार्य ठप हो गए हैं। जब JMM के विधायक और सोरेन परिवार की बहू सीता सोरेन ही अपने सरकार के खिलाफ आरोप लगा रही है, तो हम ये देख सकते हैं कि यह सरकार कितनी संवेदनहीन है। दुमका और बेरमो की जनता अब समझ चुकी है और दोनों ही उपचुनाव में जनता अब बदलाव के मूड में है। सरकारें कोई भी हो, खजाना भरने के लिए अनेक अवसर तलाशते हैं ताकि हमारी राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, लेकिन ये राज्य का राजस्व बढ़े इसकी तलाशने की बजाय सोरेन परिवार का राजस्व कैसे बढ़े इसकी चिंता अपने परिवार के खजाने को भरने को है। सत्ताधारी दल और निजी सांठगांठ के कारण राज्य व्यवस्था आज चौपट हो गई है और इसीलिए गरीब कल्याण की योजनाएं सारे बंद हैं, विकास के सारे काम ठप हैं।